रिजल्ट में सेलेक्टर दिखा रहा है, डीवीएससी ऑफिस भी बुलाया था, रिपोर्टिंग भी की थी, हमने अपना कैंपस भी सेलेक्ट कर दिया, फिर हमें आखिर कॉल क्यों नहीं किया है, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज क्यों नहीं आया, क्या रॉन्ग नंबर है? सबसे ज़्यादा राउंड आर्म फोर्स में है, सबसे पहले रिजल्ट आर्म फोर्स का ही आता था, लेकिन आखिर अभी तक आर्म फोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्या ये रॉन्ग नंबर है? ऐसे के सभी डोमेन का रिजल्ट अभी तक साइट पर है, लेकिन वहां से म्यूजिक का रिजल्ट आखिर क्यों हटाया, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है। ऐसे आर्म फोर्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भूल जाइए, आपका सपना चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है। दोस्तों, एसएससी का वो सच जो आपको भले कड़वा लग सकता है, भले आपको पसंद बिल्कुल ना आए, लेकिन 110% फैक्ट है, जिसे सुनकर के, जिसे जानकर के आपके होश उड़ने वाले हैं, आप हैरान हो जाओगे। क्या एसएससी में भी ऐसा कुछ चल रहा है? अगर आपने एसएससी का फॉर्म भरा है सत्र 2023-24 में, स्पेशली आप आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। आपको भले ही सीखने को कुछ न मिले, लेकिन आपको वो फैक्ट, वो सच क्लियर होने वाला है, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो लाइक करना आपकी मर्जी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि अभी तक आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का रिजल्ट क्यों नहीं आया, जबकि सबसे ज़्यादा राउंड यानी कि 3 राउंड होने हैं आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का। दूसरा सवाल बच्चों के मन में आया हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जिनको डीवीएससी ऑफिस बुलाया गया था और उन्हें ये कहा गया था कि आपको विद इन 5 days, 10 days, 1 week में आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इन्हें जो कैंपस है वो चूज़ करने के लिए कह दिया है, और ये भी कह दिया है कि आपको स्कूल जल्दी मिलने वाला है, हम आपको कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हमें क्लियर क्यों नहीं हो रहा है कि हमें कॉल आएगा या नहीं आएगा, हमारे एडमिशन होगा या नहीं होगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि बहुत से बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं, भले उनका स्टेम का रिजल्ट आ गया है, भले उनका परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट का रिजल्ट आ गया है, भले उनका ह्यूमैनिटी का आ गया, बट वो सेकेंड राउंड का वेट कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल यह है कि म्यूज़िक का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, म्यूजिक का रिजल्ट शो ही नहीं हुआ, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में विजुअल आर्ट का रिजल्ट आ गया है, फिल्म मेकिंग का रिजल्ट आ गया है, बट म्यूजिक का स्टिल अभी तक पेंडिंग है। तो हमारे मन में सवाल बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन फैक्ट जानकर के आप सच में हैरान हो जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आर्म फोर्स के रिजल्ट का बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि डीवीएससी ऑफिस किन को बुलाया है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ना ही कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आप लाइफ टाइम आप अपडेटेड रहेंगे, आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। डीवीएससी ऑफिस किन को बुलाया है सबसे पहले वो जान लीजिए, इसी में आपका वेटिंग लिस्ट रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एसएससी ने 2 टाइप का रिजल्ट अनाउंस किया है। पहला रिजल्ट वो है जिनको डायरेक्टली कैंपस दे दिए हैं, तो इनका तो हो गया है एडमिशन। इनमें भी बहुत सारे बच्चों के SLC अभी तक नहीं आए हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो DVSE ने क्लियर किया है कि एडमिशन उसी बच्चे का उसी डोमेन में माना जाएगा जिसकी SLC हमारे पास आती है, विद इन 10 days, 15 days, 20 days, जो भी आपको टाइम दिया है उसके अंदर में आपको अपना कन्फर्म कराना है। दूसरी बात यह है कि DVSE में जिनको बुलाया गया था, सेलेक्टेड थे, तो उनको भी स्कूल क्यों नहीं मिला, फैक्ट समझिए। सबसे फर्स्ट राउंड वो हैं जिनका क्लियर कैंपस आ गया है, तो इनका एडमिशन हो गया, बट
बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका दो दो तीन तीन डोमेन में चार चार डोमेन में नाम आया है, अब एडमिशन एक ही में लेना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, हम एडमिशन ले या ना ले, दूर है पास है, सही होगा गलत होगा, ये लूँ या वो लूँ। ऐसे बच्चे अपना SLC नहीं ला रहे हैं। अब जब तक SLC नहीं आएगी तब तक इनका एडमिशन नहीं माना जाएगा, और जब तक इन कंफर्मेशन वाले बच्चों का क्लियर नहीं हो जाता तब तक DVSC वाले बच्चों को कॉल नहीं किया जाएगा। एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमें पिछले लाइव सेशन में सारिका ने क्लियर किया था कि आपको एक राउंड DVSC ऑफिस ज़रूर जाना है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, अगर आप ST कैटेगरी से हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो आप एक राउंड DVSC ऑफिस ज़रूर चले जाइए। अब हम बात करते हैं आर्म फोर्स के रिजल्ट का। तो यार सबसे बड़ा फैक्ट है जो आपको नहीं पता है और शायद आपसे किसी ने शेयर भी नहीं किया, सबसे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए आर्म फोर्स का, लेकिन नहीं आया है। सबसे ज़्यादा राउंड है आर्म फोर्स के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। म्यूजिक का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, तो म्यूजिक का रिजल्ट आपका आर्म फोर्स के लगभग आएगा। अब हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की। तो जो DVSC ऑफिस जिन बच्चों को बुलाया है, दे ऑल आर वेटिंग लिस्ट, वो वेटिंग ही हैं। SSC ने एक्स्ट्रा पहले ही ले लिए हैं, कोई वेटिंग का चक्कर ही नहीं है। DVSC ऑफिस में जितने बच्चों को बुलाया गया है वो उनका सबका एडमिशन होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। राइट, समझ में आ गया होगा। अब हम वो आपके साथ आर्म फोर्स वाला शेयर करेंगे जो अभी लगभग 15-20 हज़ार बच्चे वेट कर रहे हैं। लगभग 15-20 हज़ार बच्चों ने आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का वेट किया था, इसके फॉर्म भरा था। तो आप भूल जाइए सपना, आर्म फोर्स में एडमिशन लेने का सपना भूल जाइए। क्यों? क्योंकि 15-20 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं, इनमें से फर्स्ट राउंड में जिनको क्वालिफाई होगा लगभग 5-6 हज़ार बच्चों को फर्स्ट राउंड क्लियर होगा। उसके बाद सेकेंड राउंड होगा, तो सेकेंड राउंड में भी लगभग 1.5-2 हज़ार बच्चों को ही बुलाया जाएगा। एंड जिनका एडमिशन होगा एंड द मोमेंट पे वो है 100 ओनली, यानी कि सिर्फ 100 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर सारिका ने ही हमें क्लियर अपडेट दिया है, थैंक यू सारिका का, जिसने हमें क्लियर करा कि इसमें भी बॉयज़ 60 यानी कि 60 लिए जाएंगे एंड गर्ल्स 40 लिए जाएंगे। हो सकता है दोनों को 50-50 कर दिया जाए, लेकिन सारिका की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फैक्ट है, तो 60-40 ही लिया जाएगा। अब आप ये मानिए कि 15-20 हज़ार बच्चों ने फॉर्म डाला है लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 100 ही बच्चों का होगा, तो भैया मैं आपको एक ही चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरा सब कुछ ठीक है, मैंने एक भी नंबर गलत नहीं किया है, इवन जिन्होंने स्टेम का एग्ज़ाम दिया था, स्टेम सबसे हार्ड माना जाता है, लेकिन स्टेम से भी हार्ड आपका एग्ज़ाम होगा, हुआ है आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का, हार्ड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने वाले बच्चे स्टेम में हैं, उसके बाद आर्म फोर्स के लिए ही बच्चों ने फॉर्म भरा है। स्टेम में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा, बट आर्म फोर्स में मात्र 100 ही बच्चों को लिया जाएगा, तो बाकी के सारे बच्चे बाहर होने वाले हैं। इसमें भी अगर आपने पहला पेपर बहुत बढ़िया किया है, आपकी फिटनेस बहुत गजब है, आप बिल्कुल मतलब परफेक्ट एंड फिट हैं फिजिकली, एंड आप मेडिकल भी आपका होगा, तो आप मेडिकल भी आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उसी बच्चे का 100 बच्चों में नंबर आ सकता है। तो बाकी बच्चे सारे भूल जाइए SSC के आर्म फोर्स के सपने का। अगर आपको लगता है कि आपका यस उन 6000 में 5000 में नाम आ जाएगा, तो आप अभी से ही अपने सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड की तैयारी कर लो। सेकंड राउंड में क्या पूछा जाएगा मैंने पहले क्लियर कर दिया है, आपकी रनिंग होगी, पुशअप होगा, सेटअप होगा, मेडिकल होगा, फिटनेस होगा, वेट होगा, हाइट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। तो आप रनिंग अभी से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सडनली आपका रिजल्ट आएगा, आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा और आप
कुछ नहीं आपके पास बचेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि जितने बच्चे वीडियो के एंड तक बन पाए हैं उन्हीं तक कंफर्मेशन एंड परफेक्ट मैसेज पहुंचा हुआ है। बाकी बच्चे देखना आप कितने सारे कमेंट करेंगे, सारे आर्म फोर्स से रिलेटेड होंगे, सारे डीवीएससी ऑफिस में जिनको अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला वो वाले होंगे, म्यूजिक वाले होंगे, वेटिंग लिस्ट वाले होंगे, क्योंकि वो वीडियो के एंड तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो भैया गलती आपकी है, अपडेट मैं आपको पूरी देता हूँ, नहीं लेते हैं वो आपकी कमी है, ले लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका 110% सिलेक्शन जरूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लो, अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर देना। ये अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा जरूर दबा देना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।